सुप्रभात दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में क्लास टेंथ के आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका परिभाषा क्या है, उन्हें पहचानेंगे कैसे, यही सब चलिए देखते हैं। तो देखिए, आश्रित उपवाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य के तीन भेद हम लोगों ने पढ़ा था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उस मिश्र वाक्य के अंतर्गत यह आश्रित उपवाक्य आता है। और यह आश्रित उपवाक्य अपने तीन भेद के साथ आता है, मतलब इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बारी बारी से देखते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। अभी संज्ञा उपवाक्य में ध्यान दीजिए कि संज्ञा आपको पता होना चाहिए। संज्ञा क्या है? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, इतना आप याद रखिए। कोई भी नाम अगर आता हो वहाँ पर संज्ञा का जन्म होगा। तो देखिए, जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता हो, तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। आपको ये सब समझने से पहले आपको इसका कुछ प्रीवियस याद रखना होगा हर हालत में, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, मतलब उन सभी का परिभाषा, आखिर वो क्या है, तब यह आगे आपको समझ में आएगा। जैसे एक बार इसका परिभाषा फिर देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। जब किसी आश्रित उपवाक्य का, आश्रित उपवाक्य का मतलब एक ऐसा उपवाक्य जो किसी पर आश्रित हो, अर्थात जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की, प्रधान उपवाक्य अब आपको समझ में आ रहा होगा, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता हो, तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। पहले इस वाक्य में हम लोग प्रधान उपवाक्य देखते हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि व्याकरण में अगर कोई शब्द या कोई परिभाषा समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके आगे आपको और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, राम ने कहा कि, राम ने कहा, यह एक प्रधान वाक्य है, कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यह आश्रित उपवाक्य है। स्वतंत्र वाक्य क्या हो गया? राम ने कहा, खत्म। अब होगा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यह जो है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यह आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि जब तक इसके पहले कोई प्रधान वाक्य नहीं आएगा यह पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करेगा। देखिए, इस उदाहरण में कि हम लड़ाई नहीं चाहते आश्रित उपवाक्य है और राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैंने देखा कि, आप लोग याद रखिएगा कि अभी हम शुरू किए हैं संज्ञा उपवाक्य और ये सभी उदाहरण संज्ञा उपवाक्य का ही है। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। दूसरा उदाहरण, संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। तो ध्यान दीजिए, मैंने देखा, यह एक पूर्ण वाक्य है, कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे थे, आश्रित उपवाक्य है। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे थे, इस पूरे में आपको संज्ञा कहाँ नजर आया, तो क्या होगा? देखिए, मैंने, संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया, इसमें संज्ञा कहाँ पर है? संदीप। और परिभाषा पर आइए, आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की, देखिए, संदीप ने देखा प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर, तो इसमें संज्ञा क्या है? संदीप, अर्थात संदीप के स्थान पर जब प्रयुक्त होगा तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। तो देखिए, संदीप ने देखा कि एक सांप रेंगता हुआ घास में छिप गया। अब आखिर कौन सा ऐसा शब्द है या कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वाक्य संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है? तो सभी उपवाक्य की पहचान है। तो देखिए, संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं। की, देखिए, यहाँ भी की, यहाँ भी की और यहाँ भी की, ठीक है? तो ये सभी संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की
किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इस पूरे उदाहरण से पहले आप ध्यान दीजिए विशेषण पर कि विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है? याद है विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए, जो आश्रित उपवाक्य, कोई भी वाक्य दिया गया हो उसमें एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। ध्यान दीजिए, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। दूसरा उदाहरण है, जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। अभी हमने दो उदाहरण का जिक्र किया, अब इस दोनों उदाहरण का मैं यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ। देखिए, दोनों उदाहरणों में, मतलब इसमें और इसमें, जिसने कल चोरी की थी पहला का है और जो मेहनत करता है यह दूसरा उदाहरण का है, ऐसे आश्रित उपवाक्य हैं जो क्रमशः आदमी, संज्ञा तथा उसे सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। फिर से देखिए, पहले उदाहरण में आदमी, संज्ञा, और दूसरे उदाहरण में उसे, सर्वनाम, इन दोनों को बोध कराता है, अर्थात इन दोनों की विशेषता बताते हैं, इसीलिए यह विशेषण उपवाक्य है। देखिए, यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, आदमी है जिसने कल चोरी की थी, और दूसरा है जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। मतलब पहला में आदमी संज्ञा हो गया जिसकी विशेषता बताया, और दूसरा में है उसे क्या है, सर्वनाम है, जो सर्वनाम की विशेषता बताएं। और हमारा परिभाषा भी क्या है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तब तक के लिए इतना है, धन्यवाद।